रामराना मार्बल्स में आपका स्वागत है। हमारी जो लोकेशन है राजस्थान मकराना में, एंड हम मकराना मार्बल की ही क्वालिटी के साथ में डील करते हैं। उसके अलावा हम मंदिर के कार्विंग वर्क या फिर जो भी कढ़ाई का काम होता है वह मकराना वाइट के अंदर हम करते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर हमारे से ये मान के चलो 100 किलोमीटर सीकर के पास में एक तेजा जी महाराज का मंदिर है, जो हमारे राजस्थान के अंदर यहाँ लोक देवता है तेजा जी महाराज, उनका पूरा मंदिर बना है। तो उसके अंदर पूरा मेरा वगैरह पिलर वगैरह हमने रेडी करके दिए हैं, पूरा कार्विंग वर्क इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कार्विंग वर्क किस तरीके से होता है और उसका पूरा फिनिशिंग होने के बाद में फाइनल टच क्या रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा ये लुक दिखाने वाला हूँ, तो आइए एक बार वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो आप काम देख पा रहे हैं ये राजस्थान के अंदर ये तेजाजी मंदिर के अंदर किया जा रहा है। इसका पूरा रेडी होने का बाद का लुक भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये आप देख सक रहे हैं कि देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा आप कवर किया जा रहा है और इसके अंदर पूरा डिज़ाइन किस तरीके से रेडी किया जा रहा है। ये जो आगे की मेरा पे वह बन रही है और ये पूरा आप देख सकते हैं खुदाई का काम है। और जो हमने मार्बल लिया मकराना वाइट 1.5 इंच का मार्बल लिया, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पूरा रेडी करने के बाद में इसके ऊपर किस तरीके से घसाई की जाती है, किस तरीके से उसके ऊपर फिनिशिंग लाई जाती है। और अभी आप देख सकते हैं काम है जो रनिंग के अंदर है और काम की डिज़ाइन आप देख सकते हैं फूल पत्ते के साथ में बहुत ही प्यारा काम किया जा रहा है। जैसे आपकी चॉइस होती है, जैसे कस्टमर की चॉइस होती है, उसी के अकॉर्डिंग पूरा काम रेडी किया जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे कि मकराना वाइट के जो बेहतरीन ब्लॉक हैं वह इसके अंदर यूज़ में लिए गए हैं, ताकि वाइटनेस इसकी काफ़ी अच्छी वाइटनेस है, भरपूर इसके अंदर वाइटनेस है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि चारों तरफ अभी यही ऑर्डर चल रहा है। इससे पहले एक जैन मंदिर का ऑर्डर था, वो भी कंप्लीट हो चुका है और उसका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया गया। और अभी आप देख सकते हैं कि जो तेजाजी महाराज का मंदिर है वह पूरा किस तरीके से काम किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर मार्बल फ्लोरिंग भी हमने करवाई है एंड पूरा कार्विंग वर्क भी हमारे द्वारा ही किया गया है। जैसे अभी पूरा थोड़ी सी साफ सफाई नहीं है, बट क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, बट जितना है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं विंडो के अंदर, पूरी विंडो के अंदर सेम डिज़ाइन बन दी गई है। और इसका पूरा रेडी होने के बाद में आप गेटअप भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इनका गेटअप आया है और आगे पीछे दोनों तरफ पूरी मेराप लगी हुई है और काफ़ी अच्छा ही इसका लुक है। और ये जो आप देख सकते हैं वॉल के ऊपर जो मार्बल है वह भी हमने दिया है और जो इनले वर्क की फूल पत्ते की डिज़ाइन है वह भी पूरी हमने ही करवाई है। पूरा आप रेडी होने के बाद में इसका लुक देख पा रहे हैं, जबकि अभी इसका थोड़ा काम बाकी है, अभी फिटिंग का काम चल रहा है। और ये आप अंदर से भी देखते हैं तो जो तेजा जी का मंदिर है उसके अंदर इस तरीके से पूरा कढ़ाई का काम, पूरा कार्विंग का काम किया गया है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो 1.5 इंच के बोट मकराना वाइट के अंदर लेते हैं, तो डिपेंड करता है आप कितनी वाइटनेस के साथ में लेते हैं, कितने कम स्पॉट्स लेते हैं। इसकी जो प्राइस है ये मान के चलिए 1000 1500 2000, अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से ये ब्लॉक मिल जाते हैं। और उसके बाद में कार्विंग वर्क है यह भी अलग अलग रहती है, जैसे 500 600 800। तो टोटली जो डिपेंड करता है आप किस तरीके से काम करवाना चाहते हैं उसी के ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। उसके बाद में वहाँ पे जाके फिटिंग करनी होती है, फिटिंग के जो चार्जेस है वह अलग रहते हैं, तो हमारे ही स्टाफ वहाँ पे जाके पूरा फिटिंग कर देते हैं। आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं कितना प्यारा गेटअप आया, पूरा एक अलग ही लुक आया, पूरा जो कार्विंग वर्क किया गया है बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। और जैसे कहीं पे भी कहीं क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और जैसे ही मंदिर का काम हुआ है तो काफ़ी अच्छा काम हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कार्विंग वर्क कराएं एक अच्छे एंड रेपुटेटेड फर्म से ही काम करवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ऑर्डर मकराना वाइट के अंदर ले लेता है और उसके बाद में अदर क्वालिटी जैसे वियतनाम राजनगर अंबाजी की जो क्वालिटी है उनके अंदर काम करके दे देते हैं, ताकि फिर वो फ्यूचर में येलो दिखने लग जाता है। अगर आप मकराना वाइट के अंदर कार्विंग वर्क कराते हैं तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही रहता है कि ये कभी ख़राब नहीं होगा, वाइटनेस उसकी सदाबहार रहती है, तो वह अच्छे मार्जिन की वजह से अदर क्वालिटी के अंदर काम करवाने लग जाते हैं। तो हमेशा से ही रिक्वेस्ट यही रहते हैं कि अच्छी जगह से काम कराएँ। अगर मकराना वाइट के अंदर कार्विंग की इच्छा है तो मकराना वाइट के अंदर ही करवाएं। अगर आपका बजट कम है तो मकराना के अंदर थोड़ा सा
कंप्रोमाइज़ करके काम करवा ले, बट अगर आप मकराना वाइट के अंदर काम करवाते हैं तो ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, वाइटनेस जो है सेम वैसी लाइफ टाइम वैसी ही रहती है। अब पूरा लुक आप देख सकते हैं, जहाँ पे वॉल के ऊपर आप ग्रेनाइट देख सकते हैं लास्ट तक, वह हमने दिया है जो मार्बल है। मार्बल के अंदर आपको मैं बता दूं कि इन्होंने मकराना चकडूंगरी मार्बल के लीरा साइज लिए हैं, जैसे थोड़ा सा बजट को भी मेंटेन करना था, एरिया जो है काफ़ी बड़ा है, तो जैसे 10,000 स्क्वायर फीट लीरा साइज इन्होंने लिए हैं। और जैसे स्टेयर केस है, स्टेयर केस के लिए बाद में स्लैब भेजी गई है। और अभी आप पूरा काम देख सकते हैं कि जो स्टाफ यहाँ पे कार्विंग वर्क के 7 से 8 स्टाफ लगे हुए हैं जो पूरा इसको फिनिशिंग दे रहे हैं, पूरा रेडी कर रहे हैं। और नाइट व्यू भी आपने देखा और दिन में भी आप देख सकते हैं, जैसे मूर्ति भी लग के रेडी हो चुकी है। एक्चुअल में मूर्ति का काम हमने नहीं किया, बट अगर कस्टमर चाहे तो मूर्ति भी रेडी की जा सकती है। बाकी जो मंदिर का कंप्लीट काम है मार्बल से रिलेटेड, वह हमने ही करवाया है। और पूरा गेटअप आप देख सकते हैं, एक्चुअल में एक तो आप वीडियो के अंदर देख पा रहे होंगे तो उतना क्लियरिटी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप इसे प्रैक्टिकल देखते हैं तो बहुत ही प्यारा लुक देख पाएंगे, बहुत ही प्यारा इसका गेटअप आया है। वाकई में जो मंदिर जिस हिसाब से बनना था उस हिसाब से बहुत अच्छा ये मंदिर बना है, काफ़ी अच्छा इसका डिज़ाइन भी बना है। तो इसके अंदर पूरा रेडी होते हुए और पूरा फिटिंग फिनिशिंग होने के बाद में तक का पूरा आपको इसका लुक दिखाया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मंदिर किस तरीके से यहाँ पे ये रेडी हुआ है। उसके अलावा और भी हमारे पास मंदिर के ऑर्डर एनी टाइम कंटिन्यू रहते हैं, और जैसे आप भी चाहते हैं मंदिर बनवाना तो वह भी पॉसिबल है। आप चाहेंगे जो डिज़ाइन आप देंगे तो उस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन रेडी किया जा सकता है। तो पूरा लुक आपने यहाँ पे देखा है, मार्बल की फ्लोरिंग, मार्बल वॉल पे, और ये पूरा इनले वर्क, कार्विंग वर्क पूरा इस एक ही वीडियो में देखा है। तो पूरा लुक आपकी आंखों के सामने है, और जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं कुछ एरिया में, तो वहाँ पे अभी फिटिंग होना कार्विंग वर्क के, ये मेरा बनना लगना अभी यहाँ पर बाकी है। कार्विंग वर्क देखा, ये जो भी काम आप देखें मकराना वाइट के अंदर किया गया है, पूरा फिनिशिंग होने के बाद में आप पूरा मंदिर का लुक देखा। अगर आप पूरे इंडिया में जहाँ से भी हो तो आप भी चाहें तो पूरा कार्विंग वर्क करवा सकते हैं, मंदिर भी रेडी करवा सकते हैं। और पूरा वीडियो आपको देखने के बाद में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग रामराना मार्बल्स।